हर किसी को मौका मिलता है अपनी अपनी भड़ास निकालने का, अपनी अपनी बात रखने का। हर किसी का दिन आता है कि आज उसके साथ जो हुआ है, कल आने वाले समय में वो सामने वाले से बदला जरूर ले सकेगा। और यही चीज हो रही है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर के साथ। देखिए, बॉलीवुड तो वैसे भी कई मामलों में बदनाम हो चुका है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड के ये जो तीनों कलाकार हैं, ये बदनाम हो रहे हैं पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उसके चलते। इन्हें लोग बीजेपी का दलाल कह रहे हैं। बात ऐसी है कि पेट्रोल का दाम जो है वो सेंचुरी मार चुका है और ये कहां जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता है। और देखिए, सिर्फ पेट्रोल का दाम नहीं, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कोरोना और उसका लॉकडाउन, जिसके चलते पिछले एक साल में न जाने कितनी ही इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, कितने ही लोग घर से बेघर हो गए, कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई, कितने ही लोगों के कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गए। तो यही चीज है जिसके चलते पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं और ये कहां जाकर रुकेगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने पेट्रोल का दाम जब उस वक्त बढ़ रहा था तब इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर ताना कसने का काम किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें अक्षय कुमार ने ये कहा था कि अब लगता है कि साइकिल को साफ करके उसे रोड पर निकालने का वक्त आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। जब बहुत ज्यादा बवाल हुआ तो अक्षय कुमार ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। जब कांग्रेस की सरकार थी तब साल 2012 में अमिताभ बच्चन ने भी पेट्रोल के दाम को लेकर ट्वीट किया था। अमिताभ ने लिखा कि पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट ने पूछा कि कितने का डालूं। मुंबई में रहने वाले ने कहा कि 2-4 रुपए का स्प्रे कर दो, बाकी मैं काम चला लूंगा। इसी मामले को लेकर अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया था। अनुपम खेर ने अपनी ट्वीट में लिखा, मैंने ड्राइवर से पूछा कि तुम लेट क्यों आए, तो ड्राइवर ने पूछा कि साइकिल से आना पड़ा। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैंने गाड़ी को 100 पीस बनाकर रख दिया है। फिर क्या हुआ, लोगों को मौका मिल गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन तीनों ही कलाकारों ने पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर बहुत सारी बातें कही थी, तो अब लोग ये बोल रहे हैं जब बीजेपी की सरकार है तब क्या इन लोगों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए हैं। कोई इन्हें बीजेपी का पालतू कुत्ता कह रहा है, कोई इन्हें बीजेपी का दलाल कह रहा है, कोई बीजेपी का इन्हें भक्त कह रहा है, कोई अंधभक्त कह रहा है, कोई चमचा कह रहा है, जिसके मन में जो बातें आ रही है वही बातें बोल रहा है। फिलहाल इनकी तरफ से पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं आया है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।